गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीके का पीडीएफ सेंड किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, आज मैं आपको उसी जीके क्वेश्चन जो भेजे थे उनका मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पीडीएफ में है वो है सरदार सरोवर डैम इन गुजरात इज बिल्ड ऑन द रिवर। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सरदार सरोवर डैम है, ओके, वो गुजरात में है, वो कौन से रिवर पर बना हुआ है। ओके, रिवर नर्मदा पर बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि डैश इज द इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनको कि नोबेल प्राइज एक बहुत ही पूरे विश्व का सबसे उच्च पुरस्कार है ना, सबसे हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड है नोबेल प्राइज फिजिक्स में, ऐसे एक इंडियन साइंटिस्ट को मिला है, उनका नाम बताया, तो आंसर इज सीवी रमन। ओके, हमारे यहाँ एक माउंटेन है कंचनजंगा, ओके, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से एक है, ओके, भारत की, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है सिक्किम, सिक्किम में स्टेट है, वहां पर सिचुएटेड। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है, INS खुरसरा सबमरीन म्यूजियम इज लोकेटेड इन। ओके, एक म्यूजियम बना हुआ है INS खुरसरा पे, ओके, जो कि एक सबमरीन थी, उसका म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है, विशाखापट्टनम। ओके, डैश वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ओके, तो यहां पूछा गया कि सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे भारत के, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, डैश इज ऑक्यूपाइड द न्यूज हेडलाइंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज अ फाइटर यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। अब ये जो क्वेश्चन है अपने रिसेंट हेडलाइन टाइम में बहुत सुर्खियों में इसने बटोरी थी, जब ये फाइटर जेट जो है इंडियन एयरफोर्स में जब इसको शामिल किया गया था, इसको यूज किया गया था, हमारे इंडियन एयरफोर्स को शॉर्ट फॉर्म में IAF कहते हैं, और ये रिसेंट आपका करंट में जीके क्वेश्चन है, तो हमने राफेल, आपने सुना होगा राफेल प्लेन्स जो हमने विदेश भारत में मंगवाए थे, ओके, ताकि हमारी जो एयरफोर्स सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके, तो ऐसे डसॉल्ट रफाल जो एयरक्राफ्ट था वो भारत में लेके आए थे, टाइप ऑफ फाइटर जेट है, इसने बहुत सारे हेडलाइंस उस समय गेन की थी जब इसको हमारी भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था इस फाइटर जेट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, डैश वाज रिसेंटली सर्वड वार्निंग नोटिस बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर इनकरेक्टली शोइंग Leh as a part of China during the live broadcast of an Indian journalist. Okay, अब रिसेंटली भारत सरकार ने एक सोशल मीडिया को एक वार्निंग दी थी, जिसमें ये दिखाया था कि जो लेह है वो जो है अब चाइना का हिस्सा के तौर पर आ चुका है, तो ऐसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इमेज स्प्रेड की गई थी, ट्विटर में, तो कम जो हमारी भारत सरकार थी उसने ट्विटर पर यह वार्निंग दी थी कि आप इस टाइप कि जो नोटिस सॉरी जो आप लहर को जो चाइना के हिस्से में दिखा रहे हो वो गलत है, और अगर फ्यूचर आप ऐसा कुछ कदम उठाते तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो ट्विटर वो सोशल मीडिया साइट थी जिसने कि लहर को चाइना के हिस्से में बताया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट डैश इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। ओके, रिसेंटली ये क्वेश्चन भी रिसेंट है। ओके, इससे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था वो वन ऑफ द मतलब बोल सकते हैं टॉलेस्ट स्टैचू था वर्ल्ड में। ओके, बट लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडिया, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन एक्सलेंस इन द फील्ड। ओके, शांति स्वरूप भटनागर नाम का एक पुरस्कार है, एक अवार्ड जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना गया भारत का। ये किस फील्ड के पर्सन जो कुछ अच्छा काम कर दो, किस फील्ड के पर्सन को ये दिया जाता है, लिटरेचर। ओके, लिटरेचर यानी साहित्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कोब ब्रायंट वाज वेरी सक्सेसफुल अमेरिकन पर्सनालिटी हु रिसेंटली डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, ही वाज अ फेमस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कोब ब्रायंट वाज अ वेरी सक्सेसफुल अमेरिकन पर्सनालिटी हु डाइड रिसेंटली इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश, ही वाज अ फेमस। ओके, आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हो जाने की वजह से ये आंसर गलत है,
ओके मैं आपका सर करेक्शन पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे को ब्रांड, जिनका अभी रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। ओके डैश वॉज वोटेड टू एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ओके एक ऐसी एक कंट्री थी जिसका यूरोपियन यूनियन होता है, लाइक यूरोपियन कॉन्टिनेंट उनका यूनियन था, तो उनका एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से। ऐसी कौन सी कंट्री, वो है यूनाइटेड किंगडम। ओके क्वेश्चन नंबर 12, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने रिसेंटली मार्स से रिलेटेड कोई एक मिशन किया था, उस मिशन का नाम क्या है, मंगलयान। उन्होंने एक मार्स प्लैनेट पर एक सैटेलाइट, एक ऑर्बिटर भेजा था, जो कि मार्स के ऑर्बिट के अराउंड, वो मार्स के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, वहां से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, जो कि इसरो ने भेजा था। ओके उस पूरे उस सैटेलाइट या उस एयरक्राफ्ट या उस पूरे मिशन का नाम था मंगलयान। ओके डैश इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ओके करंट चीफ जो है इंडियन आर्मी के, मनोज मुकुंद नरवणे। ओके यानी आप बोल सकते हो हेड ऑफ या फिर चीफ ऑफ आर्मी। ओके विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। ओके क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच यूरोपियन नेशन। ओके ग्रीनलैंड किस यूरोपियन नेशन का हिस्सा है, डेनमार्क का। ओके डेनमार्क कंट्री का हिस्सा है ग्रीनलैंड। हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक बुक का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इसमें इन्होंने जो सत्य से रिलेटेड जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट, जो भी स्टोरी रही उनके सत्य के साथ, वो इसमें दर्शाया गया। ओके व्हाट इज द लार्जेस्ट वेज द लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान, ओके गर्म रेगिस्तान कहाँ है, वो है सहारा डेजर्ट। ओके विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन कौन सा है, स्किन, जो कि हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। ओके बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, जो कि ब्लू व्हेल है। ओके व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, 24th of January को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। ओके और लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है जुपिटर। ओके यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, आज इतना ही, थैंक यू।